हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजी क्लासेस। अगेन मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें मैं आपसे बात करूँगी WTO के एग्रीमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं, एंड इसका मैं एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ ट्रेड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग को में लेकर क्या एग्रीमेंट बना WTO के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्रीमेंट्स, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, एंड इसकी मैं PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक्चुअली फोटोज़ क्लिक करने के टाइम यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो ब्लर आ गई है साइड में, बिकॉज जैसे मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी तो उसकी थोड़ी सी यहाँ पर फोन में थोड़ी सी ब्लर आ गई साइड में, बट कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज आपको जो मैटर है तो सारा क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइड में ब्लर आई हुई है। देखिए, द अदर एग्रीमेंट विच कम्स अंडर WTO फॉर टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग, इन टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग मल्टी फाइबर अरेंजमेंट वर प्रिवलेंट फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। देखिए यहाँ पर जो मेन बात है वे है मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, कि मल्टी फाइबर अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट आया था वे हमारा जब टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ था उस चीज़ के अंदर ये चीज़ प्रेवलेंट हुई थी। अब ये मल्टी फाइबर अरेंजमेंट आखिर है क्या चीज़, देखिए इन MFA यानी मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, M से मल्टी, F से फाइबर, A से अरेंजमेंट, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका, अमेरिका इज अ डेवलप्ड नेशन बट इंडिया इज अंडर डेवलप्ड, और इन अदर वर्ड इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। सो जो डेवलप्ड नेशंस है लाइक अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए एक डेवलप्ड कंट्री का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो डेवलप्ड नेशन है। तो मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री ने क्या कहा, उन्होंने MFA इम्पोज कर दिया। MFA का मतलब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री से या किसी भी कंट्री से टेक्सटाइल को इम्पोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप इसको इनडायरेक्टली सोचे, अगर कोई डेवलप्ड नेशन इम्पोर्ट ही नहीं करेगा, सामान को मंगवाएगा ही नहीं, आयात ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है वह एक्सपोर्ट कैसे कर पाएगी। यानी जब तक डिमांड ही नहीं होगी तो हम उस चीज़ की सप्लाई कैसे करेंगे। तो यानी डिमांड पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने डिमांड पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी अब दूसरी कंट्री से कोई भी टेक्सटाइल को इम्पोर्ट नहीं करेगा, वहाँ से सामान नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब वहाँ की परचेजेस बंद हो गई, परचेज ही नहीं है तो जो हमारी इंडिया है वे सेल कैसे करेगी। तो इसका पूरा का पूरा इफेक्ट किस पर आया, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, इन पर आया। समझ में आया? तो इट वॉज प्रिवेंटिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू एक सेकेंड सो इट वॉज प्रिवेंटिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स टू डीज डेवलप्ड नेशंस। तो फिर क्या कहा गया, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, यानी जो अफेक्ट आया था इंडिया के ऊपर बिकॉज इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल्स के अंदर वे बंद हो गई थी, है ना, जो फॉरन करेंसी आ रही थी वे आनी बंद हो गई थी बिकॉज उन्होंने वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि कोई इम्पोर्ट नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इसी चीज़ को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसी चीज़ को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो डेवलप्ड नेशंस के अंदर। ठीक है, लेकिन डेवलप्ड नेशन में जब तुम एक्सपोर्ट करोगे अपनी टेक्सटाइल्स को तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। तो वे हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए उस एग्रीमेंट के अंदर, जो एग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेट करता था, टेक्सटाइल और क्लॉथिंग से रिलेट करता था। देखिए, एलिमिनेशन ऑफ MFA, MFA का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। तो हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। WTO एलिमिनेट्स ऑल नॉन टैरिफ मेजर्स ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने सारे के सारे जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, मैंने आपको नॉन टैरिफ का मीनिंग बताया था कि क्या होता है, इसके अंदर जो कोटाज होते हैं वे डिसाइड कर देते हैं, नॉन टैरिफ के अंदर कोटाज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ला दी जाती है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 1995 से एंड 2004 से। एंड आपका करंट जो आपका होमवर्क मैं आपको जो दे रही हूँ, वह आपका ये होमवर्क है, क्योंकि कुछ काम थोड़ा सा आप भी जब सर्व करेंगे, जब आप अपने माइंड को एक्टिवेट करेंगे तो इससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, प्लस आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, प्लस आप एक चीज़ को कहते नहीं है कि जब आप किसी भी चीज़ के अंदर दिमाग जुड़ जाता है, एक्टिव हो जाते हो, तो आपका माइंड 10 टाइम्स फास्ट चलता है।
तो इसलिए आपका ये होमवर्क मैं दे रही हूँ, एंड कि आप अब करंट सिचुएशन देखिए कि अब फिलहाल MFA का क्या पीरियड है, मतलब इसका क्या स्टेटस है हमारे इंडिया का, कि अभी भी इसका मतलब तो इसमें कहा गया है कि 10 साल के लिए वे एलिमिनेट कर दिया गया, नॉन टैरिफ मेजर है ना, हटा दिया गया, 10 साल के लिए इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है बाहर। इसका मतलब तो यही हुआ कि अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड नेशन में 10 साल के लिए अपने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर सकती है। तो अब इसका मतलब तो कर ही नहीं सकती, एक्सपोर्ट बंद है इसका मतलब। लेकिन यही आपका होमवर्क, आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या स्टेटस है हमारा, करंट स्टेटस क्या है हमारे इंडिया का या डेवलपिंग कंट्री का MFA क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल को लेकर, ठीक है, WTO में। आपका करंट होमवर्क ये, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में 100% बताना है इस चीज़ को सर्व करके, ठीक है। आगे देखिए, रिडक्शन इन टैरिफ एंड ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग, ऊपर हमने बात करी MFA को एलिमिनेट कर दिया गया, जिसके अंदर हमने नॉन टैरिफ मेजर को ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है, हमने टैरिफ को हटा दिया, टैरिफ मतलब जो ड्यूटीज़ लगती थी उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये कब तक किया था, फर्स्ट 1995 से 2004, तो देखिए 16% हमने इम्पोर्ट टैरिफ फ्री किया 1 जनवरी 1995 को, देन 17% हमने हटा दिया इम्पोर्ट ड्यूटी 1998 में, डेट सेम है बस जो ईयर है वे अलग हो गया। 18% हमने रिमूव कर दिया 2002 में, एंड 49% हमने फ्री कर दिया इम्पोर्ट टैरिफ दैट इज 2005 में। तो 16, 17, 18 सीरियल सेम चल रहे हैं, एंड बस जो फोर्थ है आपका उसमें 49 हो गया है ना, एंड जो ईयर है डेट सेम है, ईयर अलग अलग है। देखिए 5, 8 देन 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस आता है बीच में, देन फिर अगेन 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3, 4, 3 है ना। तो आप इस तरीके से चीज़ को लर्न कर सकते हैं। फ्रॉम अबव 2 पॉइंट्स इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट सिंस 1 जनवरी 2005 ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग ऑल बैरियर्स वेदर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स आर एलिमिनेटेड। तो देखा जाए, आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर आपको यही मिल गया कि आफ्टर 2005 जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी ड्यूटीज थी, जितने भी टैक्सेस थे, सभी को प्रॉपरली एलिमिनेट कर दिया गया, राइट। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इफ ऑल द बैरियर्स आर रिमूव्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, देन इट मीन्स दिस कैन इम्पोर्ट एट एनी अमाउंट, सो अल्टीमेटली बेनिफिट गोज टू एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, कोरिया। तो यहाँ पर क्या कह रही है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए जो कि मैंने हाईलाइट भी किया, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें आप देख ही रहे हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारी, लाइक इंडिया, चाइना, कोरिया, लाइक, ठीक है, तो जितने भी बैरियर्स हैं वे सारे के सारे अगर रिमूव कर दिए जाते हैं इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स पे डेवलप कंट्रीज, इसका मतलब पूरा का पूरा बेनिफिट तो हमारी कंट्रीज को ही जाएगा। क्योंकि अगर हमारी, अगर डेवलप्ड कंट्रीज में से इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, सारे बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं, तो सीधी सी बात है जो हमारी कंट्री जो एक्सपोर्ट करी है टेक्सटाइल को, तो पूरा का पूरा बेनिफिट उनको मिल गया। क्योंकि हमारी इंडिया फ्रीली अब एक्सपोर्ट कर पाएगी, फ्रीली सेल कर पाएगी, फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, अगर हम एक्सपोर्ट को प्रॉपर शुद्ध हिंदी में बोले तो निर्यात है ना, बेचना दूसरी कंट्री में कर पाएगी इजिली, तो इसका बेनिफिट सीधा डेवलपिंग कंट्रीज को मिलेगा। अगला देखिए, सेफ गार्ड मैकेनिज्म, द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री हैज़ बीन कैप्ट सेफ अंडर सेफ गार्ड मैकेनिज्म। जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर इंटरेस्ट ब्याज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट, फ़ायदा, जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो फ़ायदा है उसको बहुत ज़्यादा सेफ रखा गया है सेफ गार्ड मैकेनिज्म के अंदर, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जो मैंने यहाँ पर आपको मैंशन भी किया हुआ है। अगला है ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपी राइट्स, ठीक है, जैसे देखिए एरिया इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है, तो सारे हमारे किस में आएंगे, ये हमारे पेटेंट, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएंगे। एंड इसको जब भी कभी अगर हमने पेटेंट करा रखा है और कोई अगर कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ करना चाह रहा है, तो उसको उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, राइट। तो इसको मैं आपको अगली वीडियो में बहुत डिटेल में कराऊंगी, तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपके पास फुल फ्लैज नोट हो जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, एंड इस पूरी PDF को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ही, तो डोंट वेरी, मैं आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराऊंगी, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।